में क्या सोचेगा, मैं तुम्हारे चेहरे से बोर हो गया हूँ। कोई कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से ऐसे कहता होगा, मैं तुम्हारे चेहरे से बोर हो गया हूँ, तुम्हारा फिर आके फायदा तुम्हारा ही है। अरे चलो मैं करा लेता हूँ पागल। अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल आपने देखा है कि मैं तेरे चेहरे से बोर हो गया हूँ। अचानक से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो सोचा कि अगर अपनी वाइफ को बोला जाए तो ये उसके रिएक्शन क्या हो सकते हैं। और इसमें मैं बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मजाक की बातें करूँगा। हालांकि ये भी बोल सकता हूँ कि तू प्लास्टिक सर्जरी करा ले तो सोच रहे हो ना कैसे कैसे रिएक्शन हो सकते हैं। तो चलिए इस प्रैंक को हम करते हैं और अंजना को मैं बुलाता हूँ, खुद बुलाऊंगा, खुद उससे ऐसे ही बातें छेड़ूंगा। तो देख लो वीडियो को पूरा लास्ट तक और पूरा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नया आया हो तो। ठीक है फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो जो नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको ऑल पे क्लिक करके तब ऑन करो। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो तो ऑल पे क्लिक कर लिया करो, तभी आता है नोटिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। बहुत मजा आने वाला है आज। रंजना, अरे आना जरा, एक मिनट बात करनी है यार। 5 minutes later. ये कर रहे थे, क्या कर रही हो? वो लड़ाई हो रही थी यार किसी में, वो देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों फालतू में लड़ रहे हैं वो लोग। अरे दूसरों की लड़ाई मत देखो, बैठो यार, गुस्सा तो नहीं करोगी? एक बात करनी है मुझे तुमसे। आलतू फालतू बातों का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे आलतू फालतू बात ठीक है, बैठो तो बैठा तो करो यार, बैठो पहले। ऐसे यार ही पता नहीं क्या, मैं कोई ये तुमसे अपनी जायदाद नाम लिखवा रहा हूँ मैं। तो तुम कह रहे हो ना कि गुस्सा तो नहीं करोगी? गुस्सा करने वाली बात ऐसा ना, लड़कियों को कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। अब जैसे मैं तुम्हें पहले से ही बताऊँ, मैं तुम्हारे चेहरे के बारे में बात करनी है मुझे। तो क्या नाचो मैं? चेहरे के बारे में क्या बात करनी है? क्या बात करनी है चेहरे के बारे में? देखो मैं बताऊँ तुम्हें, बात यह है कि मैं ना शर्मा लो, शर्मा नहीं रहा, डर रहा हूं मैं कि तुम गुस्सा नहीं करो। ये डरना होता है? ये डरने के एक्सप्रेशन होते हैं ये तुम्हारे? अब तुम कोई पुलिस वाली हो या मैंने कोई गलत काम किया तो मैं डरने वाले हूँ? डरने का मतलब यार झिझकना। देखो मैं अब देखो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं तुरंत। बोलो। कल रात को ना मैंने थोड़ा ऐसे ही वीडियो वगैरह देख रहा था, तो उसमें ना कोई ऐसे ही अपनी बीवी की ना प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी, शौक ही शौक में। प्लास्टिक सर्जरी मतलब मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारे चेहरे से बोर हो गया हूँ यार। मतलब तो, अरे सुना तो करो बात को यार, सुनती हो नहीं यार, एक ही लाइन पर ऐसे कर रही हो। चेहरे से बोर हो गया हूँ यार, सुनती हो नहीं यार तुम। मेरा कहने का मतलब ये है कि बोर का मतलब अगर ऐसा ऑप्शंस है, जब आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो इस चीज़ का फ़ायदा जब जैसे जिसकी वीडियो देखी उसने उठाया, तो ऐसे ही मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे से बोर का मतलब प्लास्टिक सर्जरी करवा के अगर मैं तुम्हारा चेहरा बदलवा दूँ तो मतलब दूसरी शादी तो नहीं कर सकता पर दूसरा चेहरा तो लेके आ सकता हूँ ना। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, समझ रहा। मैं तुम्हारा मार मार के भरता बना दूँ तो? क्या दिमाग खराब कर रहे हो? सुबह सुबह उल्टी सीधी फालतू की बात कर रहे हो? चेहरे से बोर हो गया हूँ, ऐसे ये बात करी जाती है इस तरह से? शादी होती है मजाक होता है? सुनो, रिश्ता होता है जिंदगी भर के लिए होता है कि मैं तुम्हारे मतलब चेहरे से बोर हो गया हूँ? देखो यार तुम समझ नहीं रही हो, एक चेहरा जो तुम्हारा बदला जाएगा ना प्लास्टिक सर्जरी करके, तो तुम भी तो जवान हो जाओगी ना। मेकअप के लिए तो पैसे निकलते नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? 150 रुपया देगा। अरे वो देखा जाएगा, वो सब कुछ करा जाएगा, पहले तो मैं रेडी कर रहा हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ। किडनी बेच के आओगे अपनी? अरे यार प्लास्टिक सर्जरी अब पहले के जमाने की तरह महंगी नहीं रही है, सस्ती हो गई है। हालांकि उतनी सस्ती भी नहीं है, पर अच्छा इस बात को सोचो, मेरा मन कर रहा है कि एक तुम्हारा अलग फेस हो जाए। मतलब पता है प्लास्टिक सर्जरी करवा के ना
मैं तुम्हारा फेस कैसे भी शकल का करवा सकते हैं, एक तो ये चीज़, प्लस तुम किसी भी कलर में करवा सकते हैं, तुम और ज़्यादा तुम्हारा चेहरा जो है वो और ज़्यादा जवान हो जाओगी, शाइनिंग स्किन हो जाएगी, और तुम्हारा चेहरा किसी भी हीरोइन की तरह करवा सकता हूँ, मतलब हीरोइन जैसा बिल्कुल हूबहू नहीं, एक मॉडल वाला फेस करवा सकते हैं, प्लस मतलब मुझसे मेरी पहचान तो छिन जाएगी ना, तुम जवान भी तो हो जाओगी, मुझसे मेरी पहचान नहीं छिनेगी, तो तुम अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। तो तुम्हारा चेंज करवा देते हैं ना। मेरा यार, यार ये भी सही है, ऐसा है ना, मुझसे फालतूपने की बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे चेहरे से बोर हो गए हैं। कितनी गंदी बातें करते हो तुम्हें, मतलब शर्म भी नहीं आती बोलते हुए, अजीब भी नहीं लगता कि सामने वाले से मैं इस तरह से बातें कर रहा हूँ, वो सामने वाला मेरे सामने में मेरे बारे में मतलब क्या सोचेगा, मेरे क्या मतलब सोच के बारे में क्या सोचेगा, मैं तुम्हारे चेहरे से बोर हो गया हूँ। कोई कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से ऐसे कहता होगा, मैं तुम्हारे चेहरे से बोर हो गया हूँ। उधर कौन बैठा है, किससे बात कर रही हो, मुझसे बात करो ना, इतनी गुस्सा हो रही हो। बोर हो गए हो, बोर का मतलब ये है कि आदमी कहते हैं ना कि रोज एक ही टाइप का खाना खाए तो बोर नहीं हो जाएगा। पर पेट उसी से चलता है जो डेली का खाना खाते हैं ना, डाइजेशन के लिए वही सही होता डेली है। दाल तो नहीं खा सकता ना, डेली सब्जी भी चेंज होती है ना। दाल शरीर के लिए अच्छी होती है, सब्जी घर का खाना बेस्ट होता है, पर ठीक भी है। डेली आदमी बाहर का हक्का, बाहर का जो ये ना चाइनीज इटालियन फूड नहीं खा सकता। देखो, इस बात का दो जवाब दूंगा। पहली बात, दाल सेहत के लिए अच्छी होती है पर बीवी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और फिर तुम कह रही हो बाहर का खाना कभी कभी अच्छा लगता है, तो मैं तो घर का ही खाना खा रहा हूँ, बाहर का कब खाया मैंने? हम बीवी है ना, इसलिए तुम इंसान बन के रहे हो, ठीक है। बीवी अगर अपने हस्बैंड पे कंट्रोल करना छोड़ देना तो हस्बैंड तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आउट ऑफ कंट्रोल में नहीं जा रहा, तभी तो ये वाली बात कह रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे से बोर हो गया तुम हूं। जाओगे कैसे आउट ऑफ कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है। अब मेरी बात तो सुनो क्या है, यार, मैंने कितना हेल्दी बात करने के लिए बुलाया और तुमों की यार लड़ाई पे लड़ाई करे जा रही हो। तुम तो यार अजीब ही हो, तुम तो यार समझती नहीं हो किसी बात को। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते, मुझसे बोर हो गए हो ना, सही पकड़े हैं। मेरे यार साथ रहना नहीं चाहते, मैं पसंद नहीं हूं तुम्हें, सीधे शब्दों में बोलो ना जो बात कह पसंद रहे हो। पसंद पसंद हो तभी तो कह रहा हूं। हूं तो फिर चेहरा क्यों बदलवा रहे हो, जैसे हम दाल है, दाल हमें पसंद भी है, पर दाल को अगर डिफरेंट स्टाइल में खाना है तो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी देसी घी के छोंक वाली बनाते हैं, कभी कभी जीरा छोंक वाली बनाते हैं, कभी कभी टमाटर के छोंक वाली बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की मिक्स दाल बनाते हैं, बनाते हैं बनाते हैं। ज्यादा मुझे मुझे और मुझे दाल से कंपेयर मत करो, ठीक है। मेरे मैं कहने का सीधा मतलब यही है देखो, कि सुनो तुम मेरी बात, मुझसे बोर हो गए हो ना, मैं पसंद नहीं हूं, मेरा चेहरा देख के बोर हो गए, मुझसे बोर हो गए हो। देखो मेरी बात सुनो, प्यार तुमसे करता हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे संग बिताना चाहता हूँ, सब कुछ तुम्हारे संग करना चाहता हूँ। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। पर थोड़ा सा मुझे चाहिए। अच्छा चलो, एक चीज डिफरेंट कर लेते हैं, चेहरा तुम्हारा सेम रहेगा पर प्लास्टिक सर्जरी करने से डॉक्टर ये कहता है कि थोड़ा बहुत तो चेंज आता है, तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाए कोई बात नहीं है, नाक लिप्स आंख तो यही रहेंगी ना, थोड़ा सा तुम जवान हो जाओगी, क्या और 27% मैंने उसमें पढ़ा था, 27% आपकी स्किन बदल सकती है, और अगर चाहोगे तो 100% आपकी शक्ल बदल तूने, मैं जाएगी। बुढ़िया दिखाई दे रही हूँ तुम्हें, मतलब बुढ़िया कौन कह रहा है? कहने का सेंस तो यही है ना कि तुम्हें और जवान दिखोगी, मतलब मैं बुढ़िया दिख रही हूँ मैं तुम्हें, मैं बुढ़ी हो गई हूँ अरे मैं, यार मुझे तो लग रहा है आज मैंने यार आग में हाथ डाल दिया। बिल्कुल आग में हाथ डाला है, ठीक है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अगर मैं पसंद हूं तो मेरा चेहरा क्यों बदलवाना चाह रहे हो, क्यों प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाह रहे हो। कोई चीज अगर हमें पसंद होती है ना तो हम जैसे कि तैसे उसे काफ हम संभाल के रखते हैं, कोई छोटी भी चीज हो, कोई हमारी पसंद की चीज होती है, हम उसको सालों साल कितने टाइम तक, जब तक मतलब कि क्या कहूँ कि मतलब हम उसको कितना संभाल के रखते हैं। कोई चीज पसंद होती है तो हम उसमें चेंजेस नहीं लाना चाहते,
तुम मुझसे बोर हो गए हो ना, इसलिए मुझ में चेंजेस लाना चाहते हो। मेरे चेहरे से बोर हो गए, मुझे देख के बोर हो गए हो। मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा चेहरा बदलने, आदमी की जो फितरत होती है ना, अब देखो मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, मेरा चेहरा बदल के मैं दूसरी लड़की बन जाऊंगी ना। अब आए ना लाइन पे। हाँ तो बेचारा आदमी, तो ये बोलो ना कि मैं पसंद नहीं हूँ, दूसरी लड़की चाहिए ना तुम्हें, ये समझ लो दूसरी वाइफ चाहिए। फिर भी तो तुम्हारे साथ ही पैसा खर्च कर रहा हूँ। मेरे साथ क्यों कर रहे हो, जाओ, आ गई तुम्हारी असलियत सामने। बेकार में मैंने अपनी जिंदगी खराब की तुम्हारे साथ। मुझसे कह रहे हो ना ये बात, और यही बात मैं तुम पर रख के कहूँ कि मैं भी बोर हो गई हूँ तुम्हारे चेहरे से, तुम भी मुझे, तुम भी अपना चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा लो। ये भी सही आइडिया है, मैं करवा लेता हूँ अपनी प्लास्टिक सर्जरी, उससे एक बेनिफिट हो जाएगा ये कि मेरी शक्ल बदल जाएगी, तो फिर मैं किसी के साथ भी चक्कर चला सकता हूँ, किसी भी लड़की और किसी भी औरत के साथ घूम सकता हूँ, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार पहचान पाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या ना मेरा कोई रिश्तेदार पहचान पाएगा, ये भी सही आइडिया। मतलब घुमा फिरा के फायदा तुम्हारा ही है। अरे चलो मैं करा लेता हूँ पागल। मेरा बदलो चाहे अपना बदलो, करोगे तुम वही काम। अब मेरा भी नहीं बदलना है, मैं प्लास्टिक सर्जरी करा लेता हूँ ना, ये आइडिया बढ़िया है। फायदा क्या है, तुम तो तुम और ज्यादा गंदे हो जाओगे और तमीज हो जाओगे, दूसरी लड़कियों को छेड़ोगे जाकर के। मुझे पता है किसी के साथ भी घूमूंगा, किसी भी होटल में जाऊंगा। ऐसा है ना, मार्क फेंक दूंगी, ठीक है? तो नहीं करूंगा। मुझसे बात मत कर। अच्छा इतना तो करा लूं, मैं सोच रहा हूँ कि काफी दिनों से अपनी शक्ल चेंज कराने सोच रहा हूँ, लोग पहचान लेते हैं मुझे, उस दिन भी एक लड़की के साथ में। सोच बदलो अपनी, ठीक है? अरे एक लड़की मुझसे लिफ्ट मांग रही थी, मैंने इसलिए नहीं दी कि तुम्हारे कोई घर परिवार का देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं अपनी थोड़ी ये कटिंग वगैरह करा लूँ, शेविंग करा लूँ और गंजा हो जाऊँ, शक्ल चेंज हो जाएगी। सुन नहीं रही हो यार, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। मैं अपनी शेविंग और बाल को, मैं पूरे कटिंग गंजी करा लूँ, मेरा चेहरा बदल जाएगा तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। प्लास्टिक सर्जरी तो तुम करा नहीं दे रही मुझे, करा लूँ थोड़ा दूसरी लड़कियों के संग चक्कर तब भी चला लूँगा। बोलो ना। अरे यार चेहरा बदल जाएगा तो थोड़ा सा ना कोई पहचान नहीं पाएगा। यार रोआसी सी हो रही है तुम तो। अरे यार यार ये तुमने प्रैंक छोटा करवा दिया, मैं प्रैंक कर रहा था मैं, यार तुमने बिल्कुल भी इंजॉय और कॉमेडी वाले सीन नहीं लाने दिए, इतनी से परेशान हो गई हो, अब हंस रही हो जब मैंने बोल दिया कि प्रैंक कर रहा हूँ। प्रैंक कर रहा था देखो बोरा फोन। ऐसे क्यों करते हो यार, इतने मतलब वो घुमा के रख देते हो। अच्छा वैसे आइडिया सही नहीं है प्लास्टिक सर्जरी कराने का, फिर दिमाग खराब कर। अच्छा चलो चेहरा यही रहेगा, जवान हो जाओगी। एक दूसरे का चेहरा पसंद है, एक दूसरे को देखते हैं, आदत है, ठीक है? जब सच में बदल जाएगा ना, जब पता पड़ेगी, ठीक है? दोस्तों प्रैंक छोटा करवा दिया, परेशान हो गई, तो अच्छा लगता नहीं है मुझे कि थोड़ा सा ये बिल्कुल ही एकदम सैड हो जाए। तो कुछ नया है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।